आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M20 के बारे में। मैं आपको बता दूं कि अभी तक सैमसंग गैलेक्सी M20 ऑडियो वर्जन पर चलता था, लेकिन अब ये एंड्रॉयड के पाई वर्जन में चलने लगा है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ और मैं आपको ये भी बताऊँगा ये मैंने कैसे किया है। देखिए, ये पाई वर्जन में अब चल रहा है। मैंने सैमसंग गैलेक्सी M20 का अनबॉक्सिंग का वीडियो भी बनाया था, लेकिन तब ये एंड्रॉयड के ऑडियो वर्जन पर चलता था और अब ये पाई वर्जन में चलने लगा है। हालांकि कहा जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 और कुछ दूसरे ब्रांड के मोबाइल में एंड्रॉयड का क्यू वर्जन आ सकता है, तो शायद कुछ दिनों में सैमसंग गैलेक्सी M20 में भी एंड्रॉयड का क्यू वर्जन आ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि आप अपने मोबाइल में एंड्रॉयड का पाई वर्जन कैसे डाल सकते हैं। तो आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है। सॉफ्टवेयर अपडेट में जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है उसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पाई वर्जन डाउनलोड होने लगेगा। हालांकि ये 1.5 GB से ज़्यादा डेटा लेगा। आप इसे एक बार डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लीजिए। थोड़ा इंस्टॉल करने में वक्त लगेगा, लेकिन एक बार इंस्टॉल होने के बाद आपका मोबाइल एंड्रॉयड पाई वर्जन पे चलने लगेगा। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।